हेलो दोस्तों, पैरा मेडिकल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आज हम फ्यूजी सीआर का न्यू सिस्टम दिखाते हैं, शुरू से कैसे ऑन करते हैं और कैसे पेशेंट आईडी डालते हैं और कैसे रीड कैसेट रीड कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपको शुरू से बताते हैं कैसे ऑन किया जाता है सिस्टम। तो पहले हम यहाँ एक कोने में बटन होती है, इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते ही इसमें लाइट आ जाती है, ये लाइट दिख रहा है। फिर हम यहाँ से ये पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाने पर ये ऑन हो जाता है। ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर ऑन हो रहा है अभी। पहले हम प्रिंटर ऑन करते हैं, प्रिंटर ऑन हो रहा है। ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको 2-4 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा सा रुके रहिएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये देखिए प्रिंटर ऑन हो गया, इसमें 74 फिल्म दिखा रहा है कि इसमें भी 74 फिल्म है। फिर हम इसको स्कैनर ऑन करते हैं। स्कैनर का ये बटन है, यहाँ से इसको दाबते हैं। इसको दाबने के बाद इसमें करंट आ जाता है, ये देखिए इसमें दिखा रहा है करंट आ गया है। ये हमारा स्कैनर है, फ्यूजी प्राइमर टी का स्कैनर है। अब ये इसका भी पावर बटन यहाँ से दाबते हैं। इसमें पावर बटन दाबना होता है, किसी किसी में तो पावर बटन को नहीं दाबना होता है, अपने आप ऑन हो जाता है। ये देखिए अभी ऑन हो रहा है। अब यहाँ से मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये बटन दिया रहता है, इसको ऐसे दाबेंगे, इसमें भी लाइट आ गई। अब ये देखिए ये भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो रहा है। ऑन हो गया। अब इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड हम डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद इंटर कर देते हैं। अभी अपने आप थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना होता है। अब हम इसको एडमिनिस्टर पे जाते हैं, एडमिनिस्टर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए एडमिनिस्टर लिखा है, यहाँ पे माउस से क्लिक कर और बस यहाँ पे पासवर्ड, इसमें अगर पासवर्ड कोई आपके सिस्टम में डाला हो तो पासवर्ड डाल दीजिए, वरना यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। नाउ लोडिंग, अभी इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए ये फ्यूजी प्राइमा कंसोल डाउनलोड हो गया है। अब इसको इसमें हम कैसे पेशेंट आईडी डालते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा स्टडी लिस्ट है। इस स्टडी लिस्ट में जाएंगे तो जो एक्सरे हुआ है वो दिखाई देगा, हमारा ये एक्सरे हुए हैं सब। तो हमें इस पे इनपुट आईडी पे जाना है, इनपुट आईडी, ये देखिए इनपुट आईडी पे गए, यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, जैसे पेशेंट आईडी लिखा है, पेशेंट आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे पेशेंट आईडी हम कुछ भी डाल देते हैं। अब इसके बाद
यहाँ पे पेशेंट नेम लिखा है, यहाँ पे पेशेंट नेम डाल देते हैं। पेशेंट नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, पैरा मेडिकल स्टडी। पैरा मेडिकल स्टडी AK प्रजापति। हमने डाल दिया। अब यहाँ से सेक्स को कर सेट कर लेते हैं, मेल फीमेल। मेल कर दिए हम। अब जिससे आप इस पे पहले एरो पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक किए फिर उसके बाद ये आ गया। जैसे हमें चेस्ट करना है तो यहीं से हो जाएगा, चेस्ट पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। लेकिन जैसे हमें कुछ और एक्सरे करना है तो आल मेनू पे जाएंगे। आल मेनू पे गए, ये सारा मेनू आ गया। जैसे हेड, हेड में जो होता है स्कल, स्कल फ्रंट, स्कल लैटरल, स्कल एक्सियल और बस स्कल एपिलैटरल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। PNS वीनस होता है तो जैसे PNS हो गया, नेजल बोन हो गया, नेजल बोन का कर लेते हैं। इससे PNS इसमें दिया नहीं है, ये पैरा नेजल साइनस करके दिया है, PNS ये है। और जैसे नेक का हो गया, नेक में भी ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें थायराइड दिया है, फायरिंग्स दिया है। तो ये सब एक्सरे बहुत कम होते हैं। चेस्ट में जाए, चेस्ट एब्डोमेन, जैसे चेस्ट PA करना है, PA पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिए PA, देखिए यहाँ पे चेस्ट PA दिखाने लग गया। फिर हमको जैसे एब्डोमेन का QB करना है तो QB पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे जो भी करना होगा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ये स्पाइन पे पहले क्लिक करेंगे, स्पाइन पे करेंगे तो सारा आ जाएगा। सर्वाइकल स्पाइन, ओपन माउथ, थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन, सैक्रम, ऐसे ही। इस सेट करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट स्टडी पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट स्टडी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे कैसेट रीड करने के लिए दे रहा है। कैसेट डालिए इसमें, ये देखिए ऐसे कैसेट डालना होता है। तो कैसेट हमें यहाँ पे लगाना होता है, ये देखिए ये इसमें दे रहा है। कैसेट यहाँ पे लगाएंगे इस साइड से, देखिए कैसेट को हम ऐसे लगाया जाता है। कैसेट ये ऊपर की साइड रहता है, ऐसे लगाया जाता है। तो अभी हमने तो एक्सरे एक्सपोज किया नहीं है, अभी कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास, तो अभी हम इसको स्कैन नहीं करेंगे। इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये कंप्लीट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देंगे। और तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।